Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. कैनेडियन हुकूमत की जानिब से आइंदा 6 माह में $1 बिलियन खर्च करने का ऐलान, शहरियों को बेघर होने से बचाया जा सकेगा। क्यूबेक में कोरोना वायरस की मुमकिन दूसरी लहर, हुकाम का कहना है सूबा खतरनाक सूरत हाल से दो चार है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी, डकफोर्ड का कहना है कि चीजें तेजी से तब्दील हो रही हैं, हम हालात पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी, मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,45,415 हो गई। अमेरिका ने हमें अपने मिसाइल प्रोग्राम को तरक्की देने पर मजबूर किया, रूसी सदर का कहना है कि नए रूस की तारीख में पहला ये मौका है जब हमारे पास जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,15,08,820 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 9,69,857 हो गईं। उमरा की मरहलावार बहाली जल्द शुरू हो जाएगी, सऊदी वजीर हज और उमरा मोहम्मद साले बिन ताहिर कहते हैं लाया अमल तय कर लिया गया है। फरीकैन को तशद्दुद में कमी करनी चाहिए, ज़ुल्म खलीलजाद का बैनुल अक़वाम मुज़ाकरात के फरीकैन पर तशद्दुद में कमी लाने पर जोर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट, लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से आइंदा 6 माह में $1 बिलियन खर्च करने का ऐलान किया गया है, ताकि शहर और रिहाइश फराम करने वाले इदारे जगह खरीद सकें। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से आइंदा 6 माह में $1 बिलियन खर्च करने का ऐलान किया गया है, ताकि शहर और रिहाइश फराम करने वाले इदारे जगह खरीद सकें और कोरोना वायरस के सबब अपनी जायदाद फरोख करने वालों को बेघर होने से बचाया जा सके। लिबरल्स का कहना है कि इस प्रोग्राम से पूरे कैनेडा में 3,000 नए सस्ती हाउसिंग यूनिट बनेंगे और वफाकी माली साल खत्म होने पर मार्च 2021 के इख्तिताम तक इन तमाम फंड्स की फरहमी चाहते हैं। मुकामी इंतजामिया के साथ मुनाफा बख्श तंजीमें इस रकम का फायदा उठा सकती हैं। समाजी तरक्की के वजीर अहमद हुसैन ने कहा कि प्रोग्राम सिर्फ ऐसे मंसूबों के लिए दरखास्तें लेगा जो फौरी तौर पर यूनिट बनाने या खरीदने के लिए होंगे, जो घरेलू तशद्दुद से फरार होने वाली खवातीन, बेघर होने के खतरे का सामना करने वाले और कमजोर आबादियों की भी खिदमत कर सकेंगे। क्यूबेक हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है, ऐसा मालूम होता है कि क्यूबेक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि ऐसा मालूम होता है कि क्यूबेक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। सूबे के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हालिया दिनों में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफे ने हमें इसकी तायद पर मजबूर कर दिया है कि सूबे में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। उनका कहना था कि केसेस में हालिया इजाफा मौसम बहार जैसा नहीं, लेकिन इस सूरत हाल में हम कह सकते हैं कि हमारा सूबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर की जद में है। इससे ये मतलब है कि क्यूबेक खतरनाक सूरत हाल से दो चार है। उनका मजीद कहना था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्रिसमस मामूल के मुताबिक हो, तो सबसे अहम ये है कि लोग इंतजामिया के साथ तावन करें। 24 घंटों के दौरान सूबे में 586 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जो कनाडा के किसी भी सूबे में रिपोर्ट होने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डकफोर्ड का कहना है कि इस वक्त सूबे को जिस सूरत हाल का सामना है वो मार्च और जुलाई से मुख्तलिफ है, हर रोज चीजें तब्दील हो रही हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि इस वक्त सूबे को जिस सूरतेहाल का सामना है वो मार्च और जुलाई से मुख्तलिफ है, हर रोज चीजें तब्दील हो रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फोर्ड का कहना था कि चीजें तेजी से तब्दील हो रही हैं, हम हालात पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि वो मौसम सरमा में कोरोना के खिलाफ इकदाम से मुतालिक हुकूमती मनसूबाबंदी से मुतालिक इकदाम के मनसूबे का ऐलान करेंगे। वजीर सेहत क्रिस्टीन एलियट का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा पेचीदा होगी क्योंकि ये फ्लू का भी सीजन है और हमारे अस्पतालों में कई ऑपरेशन इल्तिबा का शिकार हैं। इस मंसूबे के बेशतर अज्जा पर पहले ही अमल दरामद शुरू कर दिया गया है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कोरोना के टेस्ट करना शामिल है। उनका मजीद कहना था कि इस मंसूबे पर अमल के लिए हुकूमत को सैकड़ों मिलियन डॉलर्स की जरूरत है, इसलिए हुकूमत सोच समझकर कदम उठा रही है। वजीर आला डकपोर्ट का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि सूबे में कोरोना टेस्टों की तादाद में मजीद इजाफे के लिए यूनिवर्सिटीज और निजी लेबोरेटरीज से भी मदद तलब कर ली गई है। कैनेडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,228 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,45,415 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,228 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद 68,128 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 5,804 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमुई तादाद 42,274 तक जा पहुँची है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,829 है। अल्बर्टा में 16,739 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 256 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 8,208 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 227 है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM मुहिदे से निकलकर हमें अल्ट्रा सुपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को तरक्की देने में मजबूर कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अमेरिका ने हमें अपने मिसाइल प्रोग्राम को तरक्की देने पर मजबूर किया। नए रूस की तारीख में ये पहला मौका है जब हमारे पास जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं। बैन अल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM मुहिदे से निकलकर हमें अल्ट्रा सुपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को तरक्की देने पर मजबूर कर दिया है। सदर पुतिन का कहना था कि सन 2002 में अमेरिका की जानिब से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेटी के खात्मे के बाद हमारे पास एटमी हथियारों के हामिल अल्ट्रा सुपरसोनिक मिसाइलों को तरक्की देने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा कि नए रूस की तारीख में यह पहला मौका है जब हमारे पास जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं, जो अपनी ताकत और तवानाई, रफ्तार और निशाना बनाने की सलाहियत के हवाले से बेमिसाल हैं। ख्याल रहे कि रूस ने अमेरिका की मिसाइल शील्ड के जवाब में सन 2019 तक अल्ट्रा सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कैंडियार और बैनुल बरेआजमी बैलिस्टिक मिसाइल ऑन गार्ड की तैयारी का ऐलान किया था। रूस ने मस्कूरा दोनों खतरनाक और तबाहकुन हथियारों की तैयारी मुकर्रर वक्त से पहले ही मुकम्मल कर ली थी और सन 2018 में उनकी रोनुमाई कर दी थी। आलमी वबा कोरोना वायरस की बरतानिया में दूसरी लहर के बाद वबा से होने वाली अमवात के खदशात बढ़ गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। आलमी वबा कोरोना वायरस की बरतानिया में दूसरी लहर के बाद वबा से होने वाली अमवात के खदशात बढ़ गए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,15,08,820 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 9,69,857 हो गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 74,02,635 मरीज अस्पतालों, करंटीना मराकज में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में, जिनमें से 61,925 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,31,36,328 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां इस वायरस से अब तक 2,04,506 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 70,46,216 हो चुकी है। कोरोना वायरस के अमरीका में 25,42,185 मरीज अस्पतालों, करंटीना मराकज में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में है, जिनमें से 14,041 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 42,99,525 कोरोना मरीज अब तक शिफायाब हो चुके हैं। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है, जहां कोरोना से 88,965 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 55,62,663 हो गई है। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया है, जहां ये वायरस 1,37,350 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 45,60,083
84 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 19,649 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 11,15,810 हो चुकी है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस ने 5,007 अफराद की जिंदगी का खात्मा कर दिया, जबकि यहां 3,52,178 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 4,512 रिपोर्ट हुई है, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,30,246 तक जा पहुंची है। सऊदी वजीर हज और उमरा मोहम्मद साले बिन ताहिर ने कहा है कि उमरा की मरहलावार बहाली जल्द शुरू हो जाएगी, जिसके लिए लायामल तैयार कर लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी वजीर हज और उमरा मोहम्मद साले बिन ताहिर ने कहा है कि उमरा की मरहलावार बहाली जल्द शुरू हो जाएगी, जिसके लिए लाहा अमल तय कर लिया गया है। सऊदी खबर इदारे अल अरबिया के मुताबिक वजारत हज और उमरा ने हिफ्जान सेहत के जवाबित की पाबंदी और कोरोना एहतियातों के साथ उमरे के सफर की बतदरीज बहाली के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी है और जल्द उमरा सर्विस का आगाज हो जाएगा। उमरे की सआदत हासिल करने के ख्वाहिशमंदों को सऊदी अरब पहुंचने पर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पेश करना होगी। जायरीन की स्क्रीनिंग की जाएगी और मामूली अलामत पर भी दोबारा जायरीन का टेस्ट किया जाएगा। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता हफ्ते पहले मरहले में खलीजी ममालिक और गैर सऊदी अफराद के लिए परवाजें बहाल करने का ऐलान किया था, जिसके बाद उमरा बहाली पर भी गौर जारी था, जिसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी से काम लिया जाएगा। इस हवाले से वजारत हज और उमरा एक ऐप जारी करेगी, जिसके जरिए उमरे के ख्वाहिशमंद अफराद अपनी आसानी को पेश नजर रखते हुए उमरा अदा करने की तारीख और वक्त का तायुन करेंगे। उमरा प्रोग्राम में 30 से ज्यादा सऊदी और आलमी कंपनियों को काम का मौका दिया जाएगा। वाज़ह रहे कि सऊदी अरब में कोरोना वबा के बायस 26 फरवरी से उमरे और मस्जिद नबी की जियारत के लिए सऊदी अरब आमद पर तहकमसानी आर्जी पाबंदी आई थी और रवां बरस हज में भी सऊदीया में मुकीम सिर्फ चंद हजार गैर मुल्की तारकीन वतन ने अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए हज अदा किया था। अफगान मफामती अमल के अमरीकी नुमाइंदे खसूसी जलमे खलील जात ने अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफे पर तश्वीश का इजहार करते हुए बैनुल अक्वान मुज़ाकरात के फरीकैन पर तशद्दुद में कमी लाने पर जोर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अफगान मफाहमती अमल के अमरीकी नुमाइंदा खसूसी जलमे खलील जात ने अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफे पर तश्वीश का इजहार करते हुए बैनुल अक्वान मुज़ाकरात के फरीकैन पर तशद्दुद में कमी लाने पर जोर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में जलमे खलील जात का कहना था कि अफगानिस्तान में कुछ रोज से तशद्दुद में इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि शहरियों समेत अफगानों की कीमती जानों का नुकसान अफसोसनाक है। हालिया कशीदगी काबिले मुज़म्मत है। अफगान अमन बातचीत के फरीकैन को तशद्दुद में कमी करनी चाहिए। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.